पवन दीदी कहाँ से अबै छियै? दीदी हम समूह में से अबै छी। दीदी वहाँ स्टोव के खेती हो रहा है? हाँ दीदी, श्री विधि से खेती हम सब करबे करै छियै। इस साल भी दीदी श्री विधि से खेती इस ये भी दीदी करता थी। दीदी तो कहे श्री विधि के है जमे न करै छथिन तो कैसे हैं करता थी विधि से खेती? दीदी हम हतिये न, हम ही दीदी के बतला देबै खेती करे के लिए। दीदी अहाँ करबै खेती? ये दीदी बतला दलखिन तो हम बीज उपचार क ले। दीदी कैसे बीज अहाँ उपचार कर ले ली? हाँ दीदी हम बता दे छी। सुनीता दीदी। हाँ बबीता दीदी। गेहूँ के खेती करे के समय आ गए है। गेहूँ के खेती करे के है कि ना? अभी करे के है, वक्त पिछला बार कैली तो हमारे गेहूँ खराब हो गए, जलमिशन पतरा पतरा भेल, उते खर्चा कैली अच्छा न उपज भेल। अब कैसे होते अमरी से बताओ। हमरा तो वी आर पी दीदी बीज उपचार करके खेत में लगावे ला कहले रहलन, एकरा से हमरा उपज खेत के बहुत ही अच्छा होला। दीदी गहूम के बीज कैसे उपचार हो से तो हम आज तक देखल रही सुनल रही कैसे हो गहूम के बीज उपचार से? बीज उपचार करे के तो बहुत आसान है दीदी, चलो अहाँ के हम करके बतलब। तो कल हम बाव करे के रही है तो आई हमरा आयल हती तो बता दू, हम कल उपचार करके खेत में लगाएम। दीदी अहाँ के तो उपचार करही के है, हमारा घर सामान कुछ है घरे से लेके हम अहाँ के उपचार करे ला अहाँ के बतला दे। तो कितना देर में अभी सामान लेके दीदी घरे से? हम एक घंटा में दीदी हम चलम, अहाँ घर ही रहम, हम तब तक सामान लेके हम अबै छी तो हम अहाँ के ऊपर उपचार करके बतला दे। आओ हम घर ही हते, आओ एक घंटा में। ठीक है दीदी तो हम जाई छी घर। सुनीता दीदी। हाँ दीदी। आ गए ली हम सारा सामान भी लेकर। हम बीज लेके आ गए ली, बैठो। दीदी 500 ग्राम में कैसे हो जाती एक कट्ठा में? दीदी SWI खेती करे के लिए एक कट्ठा खेत में आधे किलो बीज ही लगाई छे। दीदी एमे से आधा बीज अहाँ निकाल दो, आधे किलो ही बीज में के उपचार होता है। दीदी वजन आधा किलो बीज कैसे पता चलते कि आधा किलो बीज है? एकरा वजन करके ली आओ अहाँ। गहूम तो अहाँ लिए लिए हेबे तौल के, अब एमे गौमूत्र 100 ml लगते। दीदी दी ए गहूम में 100 ml गौ के मूत्र पड़ता है। दीदी एमे 100 ग्राम मीठा भी लगते है। ठीक है दीदी? ठीक, ये मीठा है। ठीक है ठीक। ये इतना ही में गहूम में आधा किलो गहूम में 100 ग्राम मीठा पड़ता है। ठीक, ये वर्मी कम्पोस्ट है, ये 200 ग्राम एमे लगता है। ये दीदी केचुआ वाला खाद है? हाँ दीदी ये केचुआ वाला खाद है, ये 200 ग्राम पड़ता है। ठीक है दीदी? ठीक। दीदी ये बिविस्टिंग पाउडर है। ठीक है ठीक। ये पाउडर 2 ग्राम ही लगता है। दीदी एकरा अलावा दस्ताना भी जरूरी है। दीदी यही है दस्ताना। ठीक है दीदी? ठीक, यही दस्ताना। आधा किलो बीज में दीदी 1 लीटर पानी सुसुम जरूरी है। दीदी दीदी चट्टी के बोरा भी इसमें जरूरी है। ठीक है दीदी? ठीक है। दीदी 1 लीटर पानी सबसे पहले यहाँ हाथ सहे भर सुसुम पानी कर लू। दीदी हाथ सहे भर हो गल दीदी। ठीक है दीदी इतना पानी गरम। ठीक है दीदी तो लेके चलू बाहर। दीदी
तो पहले हम गहूँम डाले ठीक है। ठीक है, अच्छा इस सुसुम पानी में गहूँम के बीज कला डाल लिए है दीदी। बीज जो घर में रह एक तरह से सोए अवस्था में रह ठीक है दीदी। सुसुम पानी में डालबाई तो ये फिर बीज जग जता। बीज सोल रहे सुसुम पानी में उकरा डाले के हो जगावे के लिए। हाँ दीदी, खराब बीज जो है ना दीदी तेरा छान के हटा देवल जाए निमन बीज के एकरा रखे के पड़े दीदी। मिठा के महन करके एक में मिला दी ठीक है दीदी। ठीक, देख मिठा के अच्छा से एक मिलाकर गेहूँ में हम मिला दी। मीठा कला डाली दीदी, मीठा डाले से क्या फायदा है? मीठा में पोटेशियम और विटामिन पाएल जाए दीदी। 100 ml गौमूत्र डाल दी कम से कम गौमूत्र डाल के खेती ना करें तो चलिए दीदी। यहाँ कला डाली है गौमूत्र में, गौमूत्र डाले से दीदी पौधा एकदम निरोग रहता है और स्वस्थ है। बर्मी कम्पोस्ट काला डाली दीदी में, बर्मी कम्पोस्ट डाले से दीदी अभी से इतना पोषण आहार मिले लगे सब कुछ। अब ये पानी में काला डाली दीदी हमारा समझ में ना आवे। सुसुम पानी में डालला के बाद बीज जग गए तब तो वो भोजन अपना खोजे लगते दीदी। एक भोजन कहाँ से मिलते इसीलिए ये सब एक पानी में डाल जाए दीदी। अब एक के 8 घंटा पानी में रह के पड़ते ठीक है दीदी। छना तो देवे कैलक दीदी, बड़ा ला बोरा पर हम रख दे बड़ा गई दीदी। अब बेवेस्टिंग पाउडर एक में मिलावे के है। बेवेस्टिंग कला मिलवा दीदी में बेवेस्टिंग पाउडर मिलावे से दीदी फफूंदी ना लगता है और पौधा स्वच्छ होता है। ठीक है दीदी मिला दियो। बेवेस्टिंग पाउडर मिलावे से दीदी पहले हाथ में दस्ताना लगाना बहुत ही जरूरी रहै छै। दस्ताना लगा के बेवेस्टिंग पाउडर मिला दै छी दीदी। आई में 2 ग्राम बेवेस्टिंग पाउडर नाप के हम डाल दै छी ठीक। दीदी इस सब के हल्का हल्का चारों पट्टी मिला के बेवेस्टिंग पाउडर और दस्ताना के हाथे आस्ते आस्ते एक मिला दे के ठीक है। दस्ताना कला लगल दीदी तो खाली हाथे मिला सकली बेवेस्टिंग पाउडर फफूंदी नाशक है अही से खाली हाथे न मिलावल जाए छे। अब ये करा के यही बोरा में बांध के 12 घंटा के लिए एकरा छोड़ देवल जाए ठीक है दीदी। इनका पकड़ कर दीदी एकरा कस के बांध दे नमी बने के लिए एकरा पर हल्का सा पानी के छिट्टा देवे के पड़े। दीदी ऐसा ही यह में नमी बनल रहे के चाहिए दीदी। ध्यान रहे एकरा छायादार जगह पर रखे के है क्योंकि एकरा धूप न लगे के चाहिए ठीक है। हम छायादार जगह पर रख दे छी ठीक जगह पर रखम जकरा चूहा न खाए एकरा नमी बने के लिए एकरा पर पानी के छिड़काव दैत रहम ठीक। 12 घंटा के बाद अहाँ कल एकरा खेत में लगा देना।
ठीक है दीदी। हाँ दीदी यहाँ तो बहुत अच्छा से बीजू उपचार करे दीदी। चलो ना दीदी घर है कुछ बिया। चलो दीदी चलो रुको दीदी हम बीज ले ले आ रहे हैं। ठीक है यार। बैठो दीदी। देखियो ना दीदी। हाँ दीदी बहुत अच्छा से उगल गेल। बीज उपचार करे से दीदी कौन लाभ होय छे? उपचार करे से पौधा रोग मुक्त होय छे और स्वस्थ होय छे। हाँ दीदी यहाँ तो बहुत अच्छा से बता दिलियै हम। अपना ही ना सीखने ले रहलिए दीदी तब ना दीदी के बतलिए। दीदी के यहाँ बीज शोधन के बारे में बतलिए अहाँ सके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी।